आपने अक्सर देखा होगा कि बस या ट्रेन में सीटें कम होती हैं, पर बैठने वाले लोग ज्यादा होते हैं। वो जैसे तैसे बैठ ही जाते हैं और यात्रा करने लगते हैं। गांव देहात से लेकर शहरों तक ऐसा नजारा देखने को मिल ही जाता है। अब एक ऑटो का वीडियो सामने आया है, जिसे देख पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो में आप देखेंगे कि ऑटो पर नजर पड़ते ही पुलिस वालों ने इसे रोक लिया और जब सवारियों को गिनना शुरू किया तो एक नहीं बल्कि ड्राइवर को मिलाकर 27 लोग निकले। ऑटो में बैठी सवारियां जब उतरने लगी तो लोग दंग रह गए। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सभी लोग एक ही ऑटो में सवार थे। यकीन हो भी तो कैसे, 2, 4 या 6 लोग तो ऑटो में बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ तो गिनती थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस ऑटो में कुल 27 लोग बैठे थे। कहा जा रहा है कि बकरा ईद के मौके पर जब पुलिस वाहनों की जांच कर रही थी तब एक ऑटो में अविश्वसनीय आंकड़ा सवार मिला। जब पुलिस ने उन्हें उतर कर गिनना शुरू किया तब उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ऑटो में चालक सहित 27 लोग सवार थे। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किसी ग्रामीण इलाके में पुलिस वाले एक ऑटो को रोकते हैं। जब यात्रियों को निकलने के लिए कहते हैं तो गिनती खत्म ही नहीं होती। बच्चे हों बूढ़े हों सभी को मिलाकर 27 लोग उसमें से निकलते हैं। पुलिस वाले ने इसके बाद ऑटो का चालान किया। वीडियो वायरल होने पर सोशल मीडिया यूजर्स भी इस पर खूब रिएक्शन दे रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ये वीडियो सामने आया और हर कोई हैरान हो गया। लोगों के मन में यही सवाल आया कि आखिर एक ऑटो में 27 लोग बैठ कैसे गए। खैर जो भी हो, पुलिस ने इस ऑटो को रोककर कार्रवाई की। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को फटकार भी लगाई और ऑटो को सीज भी कर लिया है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।